और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन को संबोधित करते हुए पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने यह कहा कि आज पाकिस्तान संविधान और कानून को फिर से स्थापित करना चाहता है। पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 10 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि 10 अप्रैल को ही सदन के ने 1973 का संविधान पारित किया था। साथ ही बिलावल ने कहा कि पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज ने इमरान पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बुरे दौर का अंत हो गया है। हम ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उनके मार्गदर्शन और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति द्वारा हमारी मातृभूमि को हुए नुकसान की भरपाई की एक कठिन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद संसद में मौजूद रहे इमरान की पार्टी के एकमात्र सांसद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और इमरान खान का समर्थन किया। जिस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया और असद कैसर ने संसद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने दस्तावेज दिखाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। यूक्रेन के सैनिकों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे थे और हमला होते ही वो भागकर उन्हीं गड्ढों में छिप गए, लेकिन टैंक से छोड़े गए गोले के फटने के तुरंत बाद गड्ढे में छिपे सैनिक तेजी से आगे बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि वहां 2 और धमाके हुए। इसके बाद गड्ढे में छिपकर रूसी टैंकों को चकमा दे रहे यूक्रेन के सैनिक वहीं दुबक गए। तभी उनके ठीक बगल में एक और धमाका हुआ। बताया गया कि जिस जगह रूसी सेना ने हमला किया वहां यूक्रेन की सेना ने कई बंकर भी बनाए हुए थे। उधर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए। ये श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े नेता व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की थी। ये वही नेता थे जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा, लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैक वाली अटैची दिखाई दी, जिसे देखकर यह मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी ये दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन श्रद्धांजलि सभा में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर पहुंचे, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। बाद में पुतिन ने जिरिनोव्स्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में नजर आए। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की कई महिलाओं ने अपने कीमती हैंडबैग पर कैंची चला दी। ये बैग फ्रांस की मशहूर कंपनी शनेल के हैं, जिसने पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और रूसी लोगों को अपनी चीजें बेचनी बंद कर दी।
और अब इसी के बाद रूस में इस फैशन कंपनी से बदला लेना शुरू कर दिया गया। इसका जिम्मा संभाला रूस के कलाकारों और दूसरी हस्तियों ने। इन्होंने फ्रांस की कंपनी शनेल के कई हैंडबैग पर अपना गुस्सा उतारा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक रूसी मॉडल अपना खूबसूरत हैंडबैग दिखाती नजर आई। इसके बाद उसने एक बड़ी कैंची उठाई और उससे बैग के दो टुकड़े कर दिए। इसी तरह एक और वीडियो में एक महिला अपने हाथों में कैंची और इस फैशन कंपनी का हैंडबैग पकड़े दिखी। इसके बाद उन्होंने भी कैंची से बैग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बताया गया कि इन बैग की कीमत लाखों में, लेकिन महंगे बैग पर कैंची फिराते वक्त इन महिलाओं के हाथ जरा भी नहीं कांपे। दावा है कि ऐसा कर इन सभी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन मामले में पुतिन के साथ। यूक्रेन के लुहांस्क में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना के समर्थन से विद्रोही लुहांस्क के कई इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने वहां मौजूद यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। यही नहीं, इस वीडियो में रूस के सैनिक दुश्मन सेना पर बम बरसाते भी दिखाई दिए। रूस के इन हमलों की वजह से उस इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया। कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में रूसी सैनिकों का काफिला नजर आया जिसमें कई टैंक भी दिखे। लुहांस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोही भी इस जंग में यूक्रेन को तबाह करने में जुटे हैं। उधर जंग के 44वें दिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रमातोस्क शहर के रेलवे स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और ये हमला उस वक्त हुआ जब क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। लेकिन तभी दो मिसाइलें स्टेशन से टकराईं जिन्होंने वहां तबाही मचा दी। इस रॉकेट हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए जिनकी यूक्रेन की सेना के जवान मदद करते दिखे। रेलवे स्टेशन से रॉकेट टकराने के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठने लगा जो आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हमले के बाद की तस्वीरों ने तो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक तस्वीर में खून से सने प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यही नहीं, एक तस्वीर में वहां एक मिसाइल भी पड़ी नजर आई जो स्टेशन के बाहर जमीन से टकराने के बाद भी फटी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी मिसाइल भी वहां फट जाती तो वहां इससे भी बड़ी तबाही मचती। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले का आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाया और आरोपों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में दो मिसाइल आसमान में बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को तोचका यू मिसाइल से निशाना बनाया गया और ये दोनों मिसाइलें डोनेस्क के एक इलाके से दागी गई थी। क्रमातोर्स्क पर हुए भीषण हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस हमले के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है और रूस इसे जेलेंस्की की साजिश करार दे रहा है। इस आरोप और प्रत्यारोप के पीछे की वजह तोचका यू नाम की वो मिसाइल है जो कभी सोवियत संघ की बड़ी ताकत हुआ करती थी। इसलिए इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना जंग के पहले। पाकिस्तान में आधी रात को गिरी इमरान खान सरकार, अविश्वास प्रस्ताव पर 174 सांसदों ने इमरान खान के खिलाफ किया वोट। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan has been passed. अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान ने छोड़ा प्रधानमंत्री आवास। सरकार से जुड़े लोगों के देश छोड़ने पर लगाई गई रोक।